हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्ली मोनल। सो हल्दी कुमकुम के डेकोरेशन के वीडियो में आप लोगों को एक न्यू चीज़ के बारे में बताया गया था कि मैंने मेरे गार्डन में एक न्यू टाइप का डेकोरेशन किया है। यस, वो है ये। बट मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों किया, किस लिए किया और मुझे इसकी ज़रूरत क्यों रही। तो इस वीडियो में यही सब जानेंगे, साथ ही आपके लिए एक क्विज भी है। सो आखिरी तक इस वीडियो को देखना, आपको हिंट भी मिलेगी, उससे आप क्विज का आंसर भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है हमारे गार्डन का ट्यूबवेल, जो कि वाटर सप्लाई करता है गार्डन्स के लिए, और भी जितना भी वाटर का हमें यूज़ होता है उसके लिए हम यहीं से वाटर लेते हैं। तो ये इस तरह जो हमारे गार्डन के सेंटर में है और ये गार्डन का लुक ख़राब कर रहा है, दैट्स वाई इसके लिए मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। ये देखिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर इस तरह का जो भी कवर ववर टेम्प्रेरी यूज़ किया हुआ है, तो इसे हम गार्डन की थीम के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए हमने कार के ओल्ड टायर्स यूज़ किए हैं एंड सबसे पहले उसे हम क्लीन कर लेंगे, उससे हमें पेंट करने में काफ़ी इजी रहेगा। एक टिप है, अगर हम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो उससे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। सो यहाँ जो हमारे गार्डन की थीम है वो डस्टी रेड है, सो वही पेंट जो बचा हुआ था वो मैं इन टायर्स पे यूज़ कर रही हूँ। तो वो गार्डन के थीम के अकॉर्डिंग मैच करेगा और ऐसा लगेगा कि यस, ये गार्डन का ही एक पार्ट है। इसके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए हम सेम ब्रांड का व्हाइट कलर यूज करेंगे, साथ ही हमें जरूरत होगी कुछ ब्रशेस की। तो एक जो है ये थोड़ा थिक ब्रश है, ये 75 mm का है, और एक जो है वो थोड़ा पतला ब्रश है जिससे हम बारीक डिजाइन बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो पेंट है ये वाटर बेस्ड पेंट है, सो हम इसे थोड़ा डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ। इस पेंट की थिकनेस हमें इस तरह लेनी है कि जो हमारे टायर्स के ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है वो इजीली पेंट हो जाए। सो पेंट की थिकनेस इस हिसाब से रखी गई है कि ये जो टायर्स के ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है उन्हें भी इजीली पेंट किया जा सके। सो पेंट की 2 कोटिंग्स के बाद ये ड्राई होकर एकदम रेडी है।
सो पेंट के बाद आप देख सकते हैं मैंने इस टायर को कट करवाया है साइड से, क्यों? क्योंकि मुझे इसे ट्यूबवेल के साथ अटैच करना है। अगर आप विदाउट ऐसे अटैचमेंट सिस्टम के नॉर्मली वेल बनाना चाहते हैं तो आपको टायर को कट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारी प्रॉब्लम है कि हमें इसे ट्यूबवेल के साथ अटैच करना है, दैट्स वाई इसे कट करना ज़रूरी है। एंड साथ ही इसे कट करने के लिए मुझे मशीन की एंड एक भैया जी की हेल्प लेनी पड़ी, उनकी हेल्प से ही ये टायर कट हो पाया है। सो नेक्स्ट जो हमारा टास्क है, हमें इसे डिज़ाइन देनी है। देखा आपने स्टार्टिंग में मैंने इसमें ब्रिक्स की डिज़ाइन दी है, तो हम वाइट कलर से ब्रिक्स की डिज़ाइन बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ब्रिक डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है और अल्टरनेटली वर्टिकल लाइंस बनानी है। आप देखते रहिए कि इसे आपको कैसे बनाना है। मैं यहाँ सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही हूँ। हमें वर्टिकल लाइंस लगानी है, दैट मींस हमें प्रॉपर ब्रिक शेप की जरूरत होगी, उसके लिए हम अल्टरनेटली वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, फर्स्टली हमने एक ब्रिक की साइज डिसाइड की, लाइक 1 and 2, दैट इज अ स्मॉल ब्रिक। अब हमें नेक्स्ट लाइन पे इसके सेंटर से ब्रिक बनानी है। ब्रिक की डिज़ाइन बनाई है टायर्स के ऊपर। टायर से तो फिनिशिंग नहीं आती है, दैट इज़ ओके कि हम थोड़ा सा हमारा जो ब्रश है वो इक्वल ना चले, क्योंकि टायर्स के ऊपर भी खुद की डिज़ाइन होती है, वो काफ़ी इरिटेटिंग है उसके ऊपर पेंट करना, बट इट्स ओके कि हम रफ डिज़ाइन बना सकते हैं। वैसे भी ये ओल्ड वेल है तो इसके ऊपर थोड़ा सा मिसमैच अच्छा लगेगा। एंड सेम डिज़ाइन हम दोनों टायर के ऊपर बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये एक जैसा लुक दे। सो हमारे टायर्स पेंट हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं। अब हम इसे हमारा जो एम था, ट्यूबवेल था, उसके ऊपर अटैच करते हैं एंड देखते हैं कि इसका लुक कैसा आता है। लेट्स गो। तो ये था ओल्ड लुक। अब हम इसके ऊपर हमारा जो अटैचमेंट है वेल वाला, वो अटैच करते हैं और देखते हैं कि इसका लुक कैसा आ रहा है। बिफोर एंड आफ्टर लुक देखने के बाद ऑफ कोर्स लग रहा है कि आफ्टर लुक काफी अच्छा है और साथ ही हमारी गार्डन के थीम के साथ भी मैच हो रहा है। सो अब टाइम है क्विज का। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि इस वीडियो में आपके लिए क्विज है, सो इट्स टाइम फॉर अ क्विज। सो यहाँ आपको बताना है कि हम टायर्स को किस चीज़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। I mean, हमारे पास टायर्स अवेलेबल नहीं है तो हम और क्या रिप्लेसमेंट यहाँ यूज कर सकते हैं जो ब्यूटीफुल भी लगे और ड्यूरेबल भी हो। तो ये सब चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है और जिसका आइडिया सबसे बेस्ट होगा उसके लिए मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट होगा, वो फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको भिजवा दिया जाएगा।
फाइनली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।